हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम लोग दो वुलन ऑब्जेक्ट को क्रोशेट की मदद से एक साथ जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं। देखिए, मेरे पास ऐसा दो ग्रैनी स्क्वायर मैं बनाई हूँ। ये दो ग्रैनी स्क्वायर को मैं जॉइन करने वाली हूँ क्रोशेट की मदद से। तो मैंने एक वुल ले लिया। अब हम बनाएंगे एक नॉट। ओके, तो चलिए ये दो जो ग्रैनी स्क्वायर हैं ये दोनों को हम ऐसे जॉइंट कर लेते हैं। तो अब क्रोशेट को हम लोग इसके इन करते हैं। ठीक है, तो जो नॉट बनाए थे मैंने, ये नॉट को मैं इसमें अंदर करूँगी। देखिए, अब मैं इसको खींचने वाली हूँ। खींच दिया। अब मैं इस क्रोशेट को इसके अंदर से ऐसे निकालूँगी। ठीक है, थोड़ा ऊन मैंने लपेट लिया। अब ये जो ऊन है इसको मैं सिंगल क्रोशेट जैसे करते हैं वैसे ही मैं इससे करके एक चेन बनाऊंगी। ठीक है, चेन बना लिया। एक मेरे पास घर एक है। अब थोड़ा देखिए, यहाँ पर आपको शायद दिखेगा मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशेट बनाए हैं। तो इसके एक घर में एक एक लूप है। ये हमको क्या करना है, अभी एक एक लूप के अंदर से क्रोशेट को घुसा कर दो, और दूसरी तरफ जो ग्रैनी क्रोशेट है, ग्रैनी जो बनाई हुई मैंने ग्रैनी स्क्वायर, उसके अंदर से मुझको इसको इंसर्ट करना है। ओके, देखिए ये बहुत आसान है, क्योंकि जैसे हम लोग कपड़े को सीते हैं ना नीडल से, ठीक वैसे ही मैं दो उलेन ऑब्जेक्ट को एक संग जॉइंट किया। और ये पकड़ लीजिए क्रोशेट मेरा नीडल है, तो ऐसे करके मैंने ये थ्रेड को ऐसे घुसा कर जस्ट ऐसे मैंने खींच लिया। देखिए, मेरे पास हो गया दो घर। अब मुझको दो घर को बनाना है एक। ओके, फिर से देखिए, तो मेरा क्या हुआ, एक डबल क्रोशेट इधर और उधर मैंने जॉइंट कर लिया। अब मुझको क्या करना है, सेकंड वाला करना है। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने घुसाया। ये जो दूसरे वाला जो था, ये वाला, इसको मैंने इसमें अंदर किया। दोनों को अंदर करना है। देखिए, अब मुझको क्या करना है, ये वुलन जो थ्रेड है इसको मुझको घुसा कर देखिए दो घर करना है। ठीक है, तो इसमें एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जब हम लोग क्रोशेट में काम करते हैं या कुछ वुलन कुछ भी हम लोग बनाते हैं ना, उसको ज़्यादा खींचिए मत। ज़्यादा खींचने से क्या होता है, वुल ऐसे चिपक जाता है, कभी कभी इसमें नीडल और क्रोशेट कुछ घुसता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए क्या करना है, थोड़ा लूज़ लूज़ करके इंसर्ट करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो भी आप बनाना चाहते हैं आपका प्रोजेक्ट बहुत सुंदर खिल के आएगा। ठीक है, तो सेकंड थर्ड वाला डबल क्रोशेट में मैं अंदर कर रही हूँ। देखिए, फर्स्ट इसमें घुसाया और पीछे वाला जो था, पीछे वाला में थर्ड जो पोर्शन था, थर्ड डबल क्रोशेट वाला जो पोर्शन था उसके अंदर मैं क्रोशेट को इंसर्ट कर रही हूँ। ओके, अब देखिए हमको क्या करना है, दो को बना लिया, दो इस दोनों में हम घुसा कर क्या किया, देखिए अब दो घर बना चुके हैं। अब इसको बनाएंगे एक घर। तो मैंने ये क्या किया था, इसको 3-3 करके हम डबल क्रोशेट बनाए थे, और बीच में एक चेन बनाकर हम थोड़ा देखिए कैसा होल जैसा दिख रहा है ये बनाए थे, तो इसके अंदर भी मुझको क्रोशेटिंग करना है। ठीक है, तो देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ओके, और थोड़ा कर लेते हैं फिर आपको दिखा रहे हैं। गाइस, ये बहुत आसान है, आप जब अपने हाथों से करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बहुत ही आसान, बहुत ही इजी चीज़ है, मगर आपको करना पड़ेगा। पहले आप जब करने वाले होंगे ना, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा शुरू में, फिर सब ठीक हो जाता है। बहुत आसान है क्रोशेटिंग करना। तो देखिए इसमें करती हूँ, और एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये ब्लैक में कर रही हूँ कि इसमें देखने में थोड़ा इजी हो जाता है और देखने में भी बहुत खूबसूरत रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ इसको क्रोशेट से ही जॉइंट करेंगे, आप चाहे तो इसको नीडल से भी, जैसे सुई धागा से सीते हैं नीडलिंग करके, वैसा भी कर सकते हैं। मगर क्रोशेट में करने से क्या होता है, ज़रा सुंदर लगता है, बहुत नाइस होता है। देखिए, देख पा रहे हैं कैसे चेन तैयार हो गया है, ठीक ऐसे ही हो जाता है जैसे कि मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मैं प्रोजेक्ट बना रही हूँ,
तो इसमें मैंने क्या किया, पूरा इसको ऐसे करके जॉइंट किया। बहुत सारा ग्रैनी स्क्वायर मैंने बनाए हैं, ग्रैनी स्क्वायर बना के मैं एक स्वेटर बनाने वाली हूँ डबल एक्सल में। तो इसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं ये तैयार करने वाली थी। तो ये जो जब बन जाएगा इसके साथ मैं ये जॉइंटिंग करवाऊँगी, और नेक्स्ट मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग एक डबल ग्रैनी स्क्वायर बना कर, बहुत सारे छोटे छोटे ग्रैनी स्क्वायर बना के कैसे हम डबल एक्सल स्वेटर बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत सुंदर भी होता है। तो इसीलिए मैं पहले आपको जॉइंटिंग दिखा रही हूँ, देख लीजिए। देख पा रहे कितना सुंदर लग रहा है? ठीक इसी तरह हम लोग हर पूरा जॉइंट कर लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है थोड़ा भी, तो गाइस प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ओके।